हैं, तो जिन लोगों के मामू जान है उनका तो अभी भी चंदा मामा दूर के ही रह गए, उनका सपना सपना ही रह गया कि हमने चांद पे कब्जा कर लिया है, वहां पे हमारे रखा है शिव शक्ति पॉइंट। तो अभी आप नमस्कार दोस्तों, मैं तरुण सिंह आज फिर से आप सबके बीच आया हूँ। वैसे तो बेसिकली मैं एक मोटो व्लॉगर हूँ, मैं मोटो व्लॉगिंग करता हूँ घूम घूम के बाइक से। अगर आपने हमारा प्रीवियस ब्लॉग देखा हो तो, नहीं देखा हो तो ज़रूर से जाके देखें। तो अभी जैसा कि मुद्दा चल रहा है हमारे देश में, एक ही मुद्दा उठा है चंद्रयान को लेके, सबके मन में यही सवाल है, यही जवाब है, चंद्रयान चंद्रयान 3 क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। वैसे सबके मन में है, मेरे मन में भी, आप लोगों के भी मन में होगा। और सब कहाँ जाएंगे पूछने, किससे पूछेंगे, सब अपने घर में ही डिस्कस करते हैं, अपने फैमिली से बात करते हैं। तो मेरी यूट्यूब फैमिली आप सब लोग, और आप सब मेरी फैमिली हो, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ, आप लोगों के बीच आके इस बात को मैं ज़रा अच्छे से कह पाऊंगा और अच्छे से खुल पाऊंगा, या हो सकता है आप लोग को कुछ ज़्यादा पता हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है, चंद्रयान 3 रोवर चंद्रयान जो है उसका मून लैंडर उतर चुका था जहाँ पे भी उतरना था। और आज ही सुबह सुबह मैंने अर्ली मॉर्निंग एक अपने प्रधानमंत्री मोदी जी का वाक्य सुना, उनका एक निबंधना सुना कि मून जो है, चांद जो है, वो शंकर जी के माथे पे है, शंकर जी अपने माथे पे उसको सजाए हुए हैं। तो हमारे प्रिय प्रधानमंत्री का सोच कुछ ऐसा है कि चांद जो है वो शंकर जी के माथे पे सजा हुआ है, मून जो है वो शंकर जी अपने मस्तक पे सजा के रखते हैं। तो चंद्रयान 3 का विमान जो रोवर है उसके पास मून लैंडर जहां से उतरा था और जहां तक गया था, अब देखिए ये गौर फरमाने वाली बात है, जहां पे उतरा था और जहां तक गया था, उस जगह पे मोदी जी ने क्या सोचा है कि उसका एक साइंटिफिक नेम रखेंगे। हर जगह रखा जाता है, जो भी यान जाते हैं जहां पे पहुंचते हैं वहां एक साइंटिफिकली नेम रखा जाता है। तो हमारे मोदी जी ने बहुत ही सोच समझ के अपने दिमाग से फैसला लिया है और उस जगह का नाम रखा है शिव शक्ति पॉइंट। तो अभी आप ये देखो, मैं तो ये जान के खुश हूँ कि अभी थोड़े दिन पहले तक हम राम मंदिर बनाना चिल्ला रहे थे, पूरे हिंदुस्तानियों के जुबान पे यही था, जितने भी हिंदुत्व के लोग हैं। तो अब आप सब तैयार हो जाइए, मुझे लगता है कि शिव शक्ति पॉइंट पर जाकर शंकर जी का मंदिर हमें ना बनाना पड़ जाए। तो इस बात को लेकर मैं बहुत खुश हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लगा, और मैं दिल से ये चाहता हूँ कि चंद्रयान 3 जो है पूरे मून को घूम जाए, ताकि जहां जहां वो जाए भारत का एकदम झंडा लहराते जाए, और वहां वहां हमारा शिव शक्ति पॉइंट बने और हम वहां पे जाके मंदिर बनाए। तो मोदी जी ने जो वाक्य कहा था वो अब सच हो गया, चंदा मामा अब दूर के नहीं रहे हैं, सिर्फ एक टूर के रह गए हैं। अभी थोड़ा सा बजट महंगा है, जब सस्ता होगा तो जरूर जाएंगे, हो सकता है हम ना जा पाए, हमारी आगे वाली पीढ़ी जाए। तो कुल मिला के बात अब यही है। और अगर इस टॉपिक से जरा सा हटूं मैं, अगर थोड़ा सा, ज्यादा नहीं हटूंगा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना है मेरे को, तो आप लोगों को पता होगा कि चंदा मामा तो सिर्फ हमारे मामा है, लेकिन आपको पता होगा कि मामू जान किन लोगों के हैं। तो जिन लोगों के मामू जान है उनका तो अभी भी चंदा मामा दूर के ही रह गए, उनका सपना सपना ही रह गया, क्योंकि वो लोग का बिना चांद देखे खाना नहीं होता है, बिना चांद घर पे लगाए उनका घर नहीं रेडी होगा, बिना गाड़ी पे चांद रखे चांद नहीं होगा। तो उन लोगों के लिए पहले ही मैं सॉरी बोल देना चाहूंगा। तो आप लोग भी कोशिश करें, इंडिया से सीखो यार कुछ, तुम लोग कितने दिन तक बाप बेटा क्रिकेट के लिए करते रहोगे, आगे भी देखो यार, इंडिया कहाँ पे पहुंच गया, तुम लोग क्या कर रहे हो। और जो लोग यहाँ पे बैठे हैं मामू जान करते हैं जो इंडिया में, तो उन लोगों से तो खैर बोलना ही बेकार है। तो कुल मिला के बात आज यही रहा कि हमने चांद पे कब्जा कर लिया है, वहां पे हमारे मोदी जी ने शिव शक्ति पॉइंट का नाम दे के, वो जितना दूर हमारा मून रोवर घूमा है उतना दूर हमारा कब्जा हो गया है और वो शिव शक्ति हो गया है। तो जय हिंद, जय भारत, शंकर भगवान के, भारत माता की जय। तो आप लोग टच में रहें, वैसे तो ये मेरा काम नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा टॉपिक है कि मेरे से रहा नहीं जा रहा है, तो मैं आप लोगों के साथ आया, बातचीत की, अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो जरूर से कमेंट करें, एकदम ताबड़तोड़ कमेंट करें, और लाइक ठोके, और सब्सक्राइब को तो मतलब हैंग ही कर दे आप लोग, ऐसा कि वो काम ही ना करे, बटन छूते रह जाए, काम ना करे, उसको तोड़िए फोड़िए जो करना है कीजिए, लेकिन एकदम रेल दीजिए आप लोग। चलिए तो फिर नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।